अभी अभी मैंने देखा है किसी का भाई किसी की जान का ट्रेलर। और दोस्तों, ये ट्रेलर मुझे कैसा लगा देखने के बाद, मेरे इसकी इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है, कैसी ओपनिंग लगने जा रही है, किस वर्ग को ये पिक्चर पसंद आएगी, सलमान खान कैसे लगे हैं, इन सारी चीजों पे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो पूरी तरह से देखते रहे। दोस्तों, 21 अप्रैल यानी ईद पे किसी का भाई किसी की जान रिलीज होने वाली है, सलमान खान की चर्चित फिल्म। और मतलब अब जाके लग रहा है कि वी आर बैक टू नॉर्मल, क्योंकि ईद बिना सलमान खान के एक अजीब सा मतलब लगता है। यू नो, आपको हम एग्जिबिटर्स इसके आदतन हो चुके हैं, ऑडियंसेस इसके आदतन हो चुकी है, डिस्ट्रीब्यूटर्स उसके आदतन हो चुकी है, ट्रेड इसके आदतन हो चुकी है, मीडिया इसके आदतन हो गई। तो 2019 के बाद सलमान फिर से ईद में थिएटर में आ रहे हैं। अभी अभी मैंने ट्रेलर देखा किसी का भाई किसी का जान, विदाउट वेस्टिंग टाइम। मुझे ट्रेलर बहुत ही अच्छा लगा, मुझे ट्रेलर बिल्कुल मस्त लगा, जबरदस्त लगा, पैसा वसूल लगा भाई, क्योंकि ट्रेलर में वो सारी चीजें हैं जो आप एक सलमान खान की फिल्म से आप उम्मीद करते हैं। फिल्म में जबरदस्त गाने हैं जो हम पहले देख चुके हैं, रोमांटिक ट्रैक्स हैं, फैमिली ट्रैक्स हैं, एक डांस नंबर है। तो एक प्रॉपरली क्यूरेटेड एल्बम जो सलमान खान से हम एक्सपेक्ट करते हैं, वो हमें ऑलरेडी मिल चुका है। और फिल्म का म्यूजिक इज ऑलरेडी अ हिट। ट्रेलर में आप देख लीजिए कि रोमांस है, कॉमेडी है, ड्रामा है, फैमिली है, सेंटिमेंट है, एक्शन है और थोड़ा सा इंट्रीग भी है। तो सारी चीजों को बैलेंस करके बनाया गया है इसे। आज के जमाने में, खास करके कोविड के बाद में, जहां पे सिर्फ फ्रेंचाइजेज और सीक्वल्स देखने पब्लिक आ रही है, अगर आप एक ओरिजिनल फिल्म बना रहे हैं तो जब तक आप उसमें सारे वर्ग का मसाला नहीं डालेंगे तो वो ऑडियंस का जो फुटफॉल होता है वो नहीं आता, वो हम देखने को मिल रहा है। और इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत है कि ये सलमान खान की फिल्म है और ये ईद पे आ रही है। तो मेरे ख्याल से सलमान खान ने सारी ऑडियंसेस का इसमें बहुत ही बेहतरीन रूप से ख्याल रखा है। सबके लिए कुछ ना कुछ है, यंगस्टर्स के लिए है, फीमेल्स के लिए है, यंग फीमेल्स के लिए है, मेल्स के लिए है, मेल्स के लिए इनफ टेस्टोस्टेरोन है, एक्शन है, डायलॉगबाजी है, फीमेल ऑडियंसेस के लिए सेंटिमेंट है, फैमिली वैल्यूज हैं, गाने। तो ये एक कंप्लीट फैमिली एंटरटेनर दिख रही है। जैसा अभी सलमान खान ने कहा कि एक एक परिवार के 20-20 30-30 लोग, तो मुझे लगता है ये वैसी ही फिल्म है जिसको पूरे सारे वर्ग के लोग देखने आएंगे। और ट्रेलर से लग रहा है कि इट इज गोइंग टू बी अ गुड एंटरटेनिंग फिल्म जो कि लोगों को पैसा वसूल करा के देगी। तो मुझे लग रहा है कि ये फिल्म चलने वाली भी है, अच्छी खासी चलेगी। और जहां तक बात सलमान खान का, ही इज लुकिंग अमेजिंग। मतलब वो जो सारे लुक्स इनके जो चेंज हो रहे हैं फिल्म में, बहुत मजा आ रहा है। उसके बाद इतने दिनों के बाद वेंकटेश को हम देख रहे हैं, इट इज सो हार्ट वार्मिंग टू सी हिम इन अ हिंदी फिल्म। आई मीन, मुझे याद है आज भी अनाड़ी इज वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स इन माय सिनेमा। तो अनाड़ी ने बहुत शानदार बिजनेस किया था। पूजा हेगड़े इज लुकिंग फैबुलस एंड फैंटास्टिक। जो तीन नए लड़के हैं, न्यू कमर्स हैं, वो भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो फिल्म का एक ओवरऑल फील जो है, एक ये कंप्लीट मासी मसाला एंटरटेनर वाला फील है और ईद में ये परफेक्ट बैठ रहा है। और अंत में एक्शन भी दिख रहा है काफी ज्यादा, मारपीट भी दिख रही है फिल्म में काफी अच्छा। तो फिल्म में पूरा इंटेंट आपको दिख गया है, कोई रस नहीं छूटा फिल्म में आपको दिखाने के लिए। अंत में शर्ट भी अनबटन हो गया, जो आई मीन विच इज एन हाई पॉइंट। एंड आई कैन इमेजिन कि जब वो खुलेगा हॉल फटेगा, तो वो भी आपको देखने को मिल रहा है। तो ये पिक्चर पूरा सलमान खान के फैंस के लिए पैसा वसूल है। और सलमान खान का फैन कौन नहीं है, आप हैं, मैं हैं, हम हैं, सब हैं। आई मीन, ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स इन दिस कंट्री। और सलमान खान का फैन ना होना में कुछ बात होगी। आई एम अ सलमान फैन एंड आई नो मोस्ट पीपल आर। तो मुझे लग रहा है कि बॉस, वी आर इन फॉर अ ट्रीट। इट्स गोइंग टू बी अ गुड ईद, एक मसालेदार ईद सलमान हमें देने जा रहे हैं। और फिल्म की ओपनिंग भी बहुत अच्छी लगने वाली है। लेट्स वेट की एडवांस खुलते हैं, क्या संकेत मिलते हैं। मेरे हिसाब से ट्रेलर ने अपना काम कर दिया है। अब जनता जनार्दन पे है कि भैया पहले दिन आओ और पिक्चर को दबा के देखो, दबा के टिकटे काटो और पिक्चर को सुपर डुपर हिट बनाओ।
आज के लिए ट्रेलर रिव्यू के लिए इतना ही। बहुत खुश हूं मैं आज ट्रेलर रिव्यू से, ट्रेलर देख के मजा आ गया। आने वाले दिन में सलमान खान, मतलब सलमान खान और हम ईद, ईद मतलब पैसा, ईदी हमें मिलने वाली है 4 साल के बाद सिनेमा मालिकों को। बहुत खुशी का वक्त है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो थैंक यू ऑल, यू कैन सी आई एम वेरी हैप्पी, आई एम नॉट एबल टू कंटेन माय एक्साइटमेंट। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो जरूर 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक जरूर कर दीजिएगा प्लीज, सो दैट माय वीडियो रीचेस टू द मैक्सिमम ऑडियंसेस। थैंक यू सो मच।